हेलो वेलकम एवरीवन माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं से नहीं होता, बस घुरा फिरा के आपको क्वेश्चन जो है मात्र आज के वीडियो जो देने वाले हैं इसी में से पूछा जाता है। आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण का स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट 1 2 करके वीडियो मिलता रहेगा। सारे वीडियो को आप लोग को देख लेना है, मात्र आपको 5 वीडियो तक हो सकता है, 4 से 5 वीडियो मात्र आपका व्याकरण का, जिससे कि आपको हिंदी में भी सपोर्ट मिल जाएगा, हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में तो फिक्स रहता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी क्वेश्चन है वो चुना हुआ क्वेश्चन है जो कि बार बार घुमा फिरा के पूछा गया, वही क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहता है इस चैनल पर और महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलते रहता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो साथियों पित्रा का मतलब होता है यहाँ पे पिताजी, जिसको बोलते हैं पिता होता है, ठीक है। इसका कह रहा है यह किस विभक्ति का रूप है, तो याद रखिएगा ये तृतीय जो है तृतीय वचन है और तृतीय में जो है ये जो है प्रथम वचन है, ठीक है, एक वचन है, तृतीय विभक्ति में एक वचन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तृतीय में भी एक वचन है, यानी राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है, ये अगर वचन भी कभी कभी पूछा जाता है तो ये एक वचन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग के, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अस्माकम कहे या फिर अहम कहे, जिसका मतलब होता है मैं, ठीक है, या अहम, इसका जो होता है मूल शब्द क्या होता है, तो इसका जो मूल शब्द होता है अस्मद होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, अस्माकम पूछे या फिर अहम का शब्द का मूल रूप पूछे, यानी इसका मैन रूप क्या होता है, तो अस्मद होता है और अहम मतलब होता है मैं होता है। एकदम आपको इसको याद रखना है हिंदी भी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पे हैं लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या रूप होगा। दोस्तों लता शब्द, लता जो है आधातु शब्द रूप है ये, तो इसका जो होता है तृतीय बहुवचन क्या है। एकदम याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, बस यही क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। लता का लतावी होता है, लतावी तृतीय बहुवचन होता है, ठीक है, लता लते लता, लताम लते लत्या और लत्या लताम लत्या लता भी होता है, मतलब इस तरह से होता है धातु शब्द रूप में। तो आपको इसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए भी इसको आपको याद ही रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, पठेयु किस लकार का रूप है। दोस्तों पठेयु ये जो है इसका मतलब होता है हिंदी होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना होता है। तो पठेयु आप लोग एक विधि लिंग में जानते होंगे, एत एताम एयु एयु होता है, ठीक है, यहाँ पे एत एताम एयु ये होता है, तो यही वाला है तृतीय जो है वचन है। पठेयु जो है किस लकार का रूप हुआ है, तो ये विधि लिंग लकार का हुआ है यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, एत एताम एयु अर्थात यहाँ पे पठेयु हो जाएगा, तो अर्थात आप लोग को सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा इस ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं यहाँ पे। चलिए साथियों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, नमंती का मूल धातु क्या होता है। याद रखिएगा नमंती का हिंदी पहले समझ लीजिए, इसका मतलब होता है नमस्कार, ठीक है, नमस्कार प्रणाम जो भी समझिए नमस्कार होता है। यहाँ पे नमंती का मूल धातु क्या होता है, तो नम हलंत होता है, हलंत लगा होना चाहिए अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बात आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, यहाँ पे हलंत होता है तो हलंत का मान जो होता है आधा होता है। अच्छे अच्छे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हलंत का मान कितना होता है, तो आधा होता है। चलिए 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो साथियों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के, यहाँ पे गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पे इसमें जो है एक स्त्री प्रत्यय का यूज हुआ है, तो कौन सा स्त्री प्रत्यय, याद रखिएगा प्रत्यय के मतलब होता है जो किसी शब्दांश यानी किसी शब्द में के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे गति में कौन सा प्रत्यय है, तो गति में जो प्रत्यय यहाँ पे
कीतन है, कीतन यहाँ पे हलंत है, याद रखिएगा हलंत भी है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गति में जो है कीतन पड़ते हैं। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आप लोग का। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको इसी प्रकार का काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो यहाँ से मिलते रहता है। तो आप लोग जरूर कर दीजिए, यहाँ पर आपको कोई किसी तरह का जो है घाटा नहीं लगने वाला है और किसी तरह का आपको लॉस नहीं लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि घाटा लगता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में है, पठ प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पठितवा बने, यहां पे देखिए पाठित्वा है तो यहां पठित्वा है, तो यहां पे बनेगा ये बनेगा बी बनेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पठ हलंत प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो पठित्वा बनेगा। अर्थात राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठ प्लस कत्वा में से कौन सा शब्द पठित्वा बनेगा। याद रखिएगा पाठित्वा मत मारिएगा। चलिए यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां पे ये भी है प्रत्यय से क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए आप समझिएगा ध्यान से, विष्णु प्लस अन्न में कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा विष्णु प्लस अन्न से वैष्णव बनेगा। इस प्रत्यय से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे आप लोग सिंपल मान लीजिए अपने चैनल का नाम ही रख लीजिए, मान लीजिए माधव जोड़ अन्न हो गया, ठीक है, तो माधव हो जाएगा, ठीक है। इससे भी जुड़ने के बाद माधव हो जाएगा। इसी प्रकार यादव जोड़ अन होता है यादव होता है, राघव जोड़ अन होता है राघव होता है। याद रखिएगा माधव हो गया, इसी पर राघव में जुड़ेगा तो ये राघव हो जाएगा, यादव में जुड़ेगा तो यादव हो जाएगा, पांडव में जुड़ेगा तो पांडव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विष्णु या फिर माधव या फिर पांडव में अन जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो पांडव या फिर माधव रहेगा तो माधव, और यहाँ पर विष्णु है तो वैष्णव बनेगा। तो एकदम याद रखना है आपको अन प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरतम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। देखिए ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी ही सुनकर याद कर लीजिएगा इसको। सुंदरतम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ पे तम्प प्रत्यय है, ठीक है, तो म अपहलंत, यहाँ पे तम्प प्रत्यय। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पे नस्यति किस लकार का रूप है। दोस्तों नस्यति जो है, नस्यति किस लकार का रूप है, तो आप लोग एक पढ़े होंगे लठ लकार का और एक होता है लिरिठ लकार का, यानी जो होता है भविष्य काल वाला जो होता है स्यति स्यत स्यन्ति। तो यहाँ पर ये जो है तो एक वचन है, प्रथम विभक्ति एक वचन है और यहाँ पे लकार आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो लकार हो जाएगा आपका लिरिठ लकार हो जाएगा, जिसका मतलब होता है भविष्य काल होता है, ठीक है। इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं, हिंदी में भविष्य काल होता है, तो यहाँ पे आपका भविष्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिरिठ हो जाएगा और यहाँ ये जो है सो प्रथम विभक्ति एक वचन है, ठीक है। स्यति स्यत इसी प्रकार नस्यति नस्यन्ति नस्यत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों नी उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर देखिए नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे नियोग बनेगा, नियोग। राइट आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निश्चय जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, चूँकि यहाँ पे ये सौ है, यानी आपको अलग अलग करके देखिए देखिए जैसे यहाँ पे अलग हम लोग करते हैं तो नी जोड़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जर्जन अर्जन नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको संधि विच्छेद करिएगा, इसको देखिए संधि विच्छेद करते हैं तो नी जोड़ योग होता है, नियोग होता है, नी जोड़ योग तो नियोग होता है। लेकिन इस सब का संधि विच्छेद जो है स्पष्ट और सही नहीं होता है, इसलिए ये सब नहीं होता है, बट यहाँ पे देखने में सेम लग रहा है, इसलिए इसका संधि विच्छेद देखिए होता है नीह जोड़ योग होता है, इसलिए नियोग हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, क्री प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तुमुन जो यहाँ पे प्रत्यय है तो यहाँ पे कृतुम बन जाएगा। राइट आंसर आपका 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कृतुम बन जाएगा प्रत्यय। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, गमनीयम में कौन सा कृत प्रत्यय है। देखिए इस तरह के आए पठनीय गमनीय दर्शनीय या फिर कुछ भी आए गमनीय, जैसे निय आ गया तो इस सब में हो जाता है अनिय प्रत्यय होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। गमनीय हो या फिर आपको पूछे पठनीय या फिर देखिए इंपोर्टेंट दर्शनीय, इस बार के लिए है दर्शनीय, ठीक है, तो दर्शनीय ये सब आ जाएगा, दर्शनव आ जाएगा, मो आ जाएगा लास्ट में, तो ये सब में अनियर प्रत्यय होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जन प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस सवाल को, जन मतलब होता है लोग, ठीक है,
लोग होते हैं जन मतलब, और जन प्लस तल से, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है लघु प्लस तल से, ठीक है, कौन सा शब्द बनता है, तो यहाँ पे लघु और तल से लघुता, तो इसी प्रकार जन और तल से जनता बनता है। राइट आंसर 14 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जन प्लस तल से जनता बनता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु प्लस तल से आपको लघुता बनता है, पशु प्लस तल से पशुता बनता है, इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आपको पशु हो गया और इसी में कहेगा इसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ दिए तल, तो क्या हो जाएगा आपका पशुता बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कुछ कुछ कॉमन चीज़, ये तीन बताए हैं आपको, इस तीन में से जो है अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादातर आपको इम्पोर्टेंट इसी तीन में से पशुता पूछे, ये लघुता पूछे या फिर जनता पूछे, तो ये तीन जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, सर्वत्र में कौन सा तड़ित पड़ता है, तो सर्वत्र में कौन सा तड़ित पड़ता है, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है प्रत्यय हो जाएगा आपका तरल हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, तरल हो जाएगा प्रत्यय, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, मयूर से कौन सा स्त्री प्रत्यय बनेगा, यहाँ पर देखिए स्त्री, यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप था, यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप था, यहाँ पे कट गया है स्त्रीलिंग, यहाँ पे रूप था, ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन को तो एकदम याद रखना है, इसका जो हो जाएगा मयूरी हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग होता होगा इसका मयूरी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है पाश्यति किस लकार का रूप है, तो याद रखिएगा पाश्यति, यहाँ पर देखिए पीछे भी एक आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, अगर पूछेगा तो इसी दोनों में से क्वेश्चन आपको रहेगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। तो पाश्यति किस लकार का रूप है, तो आपको सिंपल याद रखना है ललित लकार, जिसका हिंदी मतलब होता है भविष्यकाल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार इसका भी मूल धातु क्या है, तो इसका देखिए मिल मूल सॉरी यहाँ पे मिल कहा गया, दृश्यति का जो है मूल धातु होता है दृश्य होता है, ठीक है, यानी देखना होता है, जिसका मतलब यहाँ पे। चलिए हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दृश्यति का मूल धातु क्या होगा, तो दोस्तों इसका याद हो रखिएगा आंसर, इसका हो जाएगा दृश्य हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, जाही का मूल धातु क्या होता है, दोस्तों एकदम याद रखना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार आप लोग भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जाही का मूल धातु क्या होता है, तो याद रखेगा जाही का जो मूल धातु होता है हन, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, प्र उपसर्ग से आपका प्रकाश बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकाश, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रकाश बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुनिये किस विभक्ति का रूप है, दोस्तों याद रखिएगा मुनिये किस विभक्ति का रूप है, तो एकदम याद रखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है त्वई शब्द का मूल रूप क्या है, त्वई शब्द का मूल रूप क्या है, तो याद रखिएगा त्वई शब्द का मूल रूप जो है यहाँ पे आपका युष्मद है, युष्मद, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युष्मद। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजन शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है, इसका जो है स्त्रीलिंग रूप भी पूछा जाता है, तो राजन शब्द का जो है प्रथम बहुवचन का रूप क्या है, देखिए प्रथम होना चाहिए और बहुवचन रूप होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा राजाना हो जाएगा, ठीक है, राजाना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा राजन शब्द का जो है कभी कभी स्त्री रूप पूछा जाता है तो राज्ञा होता है, ठीक है, राज्ञा होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग रूप। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं, पादन खज गोपाल, पादन में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे संस्कृत को कह रहा है, यहाँ पे यानी इस पादन में जो है, पादन मतलब पैर होता है, पैर जो, ठीक है, इसको पांव बोलते हैं, लेग, पादन खंज गोपाल, पादन में कौन सा विभक्ति है, याद रखिएगा यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, जैसे बालकन होता है उसी प्रकार इसमें जो है तृतीय विभक्ति है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को एकदम याद रखना, इसका हिंदी होता है कि गोपाल जो है पैर से लंगड़ा है, इसका हिंदी होता है इस पूरा वाक्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 25 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी समय ले चुके हैं आपका। गच्छ किस लकार का रूप है, दोस्तों गच्छ जो है किस लकार का रूप है, एकदम याद रखिएगा,
एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोट लका, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग को हेल्प मिल चुके। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।